सोशल मीडिया पर कुछ लोगों द्वारा एक जाति विशेष के रूप में की जा रही अभद्रतापूर्ण टिप्पणी के विरोध में आज अखिल भारतीय बाल गंगी समाज के लोगों ने डीएम और एसएसपी मुरादाबाद के सामने पेश होकर एक शिकायती पत्र सौंपते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की है। अखिल भारतीय बाल गंगी समाज के दर्जनों लोग आज कलेक्ट्रेट पहुंच गए। ये लोग अपने हाथों में एक बड़ा सा बैनर लिए हुए थे। इन लोगों का आरोप है कि थाना भोजपुर इलाके के लालूवाड़ा में रहने वाले कुछ युवक जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके सोशल मीडिया के पेज यूट्यूब पर बनाए गए पेज ट्राइड ट्रीम वॉइस पर वीडियो वायरल करने में लगे हुए हैं। ये लोग विशेष रूप से वाल्मीकि समाज के लोगों को टारगेट करने में लगे हैं। समाज की बहन बेटियों के बारे में अमर्यादित भाषा में वीडियो बनाकर यूट्यूब सहित कई सोशल मीडिया पेज पर पोस्ट करके वाल्मीकि समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं और सीधे तौर पर कानून का उल्लंघन भी कर रहे हैं। शिकायती पत्र के माध्यम से वाल्मीकि समाज के लोगों ने इन आरोपियों पर SC ST Act की धाराओं के तहत कार्यवाही करने की मांग जिला प्रशासन से की है। अखिल भारतीय वाल्मीकि समाज के लोगों ने डीएम और SSP को अलग अलग शिकायती पत्र सौंपा है। मेरा नाम अभिषेक रत्नाकर है जी। किस समस्या को लेकर आप लोगों ने ज्ञापन दिया? आज हमने अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा के बैनर तले, ये हमारे जिला अध्यक्ष हैं सत्यपाल वाल्मीकि जी, तो सोशल मीडिया पर जो यूट्यूब चैनल यूट्यूब है उस पर एक चैनल बनाया हुआ था ट्राई टीम बॉयज करके, तो उस पर कुछ अज्ञात लोगों ने एक जाति विशेष की भावनाओं को आहत पहुंचाते हुए एक जाति सूचक शब्द का उपयोग किया और पूरे वीडियो में उन्होंने जाति सूचक शब्द का उपयोग किया है लगातार। तो हमने वो वीडियो देखा और वो वीडियो में हम पूरा समाज, बहुजन समाज आक्रोशित है कि कब तक हम ऐसे ही ये जाति सूचक शब्दों का सामना करते रहेंगे और हम इससे कब निजात पाएंगे, और जब इस भारत देश की एक अखंडता को अगर कोई शर्मसार करता है तो वो ये जातियां हैं, ये जातियां जिसने बनाई, और ये जातियों पर जो हम क्या दलित ही काम करता रहेगा इन जातियों को मिटाने पर। मेमोरेंडम के माध्यम से आपके द्वारा क्या मांग की है? मांग यह है कि जिलाधिकारी महोदय से हमारी मांग यह है कि जो ये इन लोगों ने वीडियो वायरल की थी उन लोगों पर SC ST Act के तहत और सोशल मीडिया एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जाए, सख्त कार्रवाई की जाए, और बाकी जो कानून तय करेगा हम उसके साथ हैं।